आग मान लो बाहर आग जल रही है, ठीक है, सर्दी है, आप क्या करोगे? आग सेकेंगे हैं, वार्म होएंगे, आग सेकोगे आग है बाहर। पर एक बात बताओ, आग जब जल रही होती है सुंदर बड़ी लग रही होती है ना, है ना। एक जो छोटा बच्चा है, मान लो एक छोटा बच्चा जिसको पता नहीं है कि वो आग है और उसको बड़ी सुंदर लग रही है, वो क्या करने की कोशिश करेगा? टच करने की कोशिश करेगा, टच करने की कोशिश करेगा, है ना। क्यों? क्योंकि उसको वो चीज सुंदर लग रही है। जो माया है ना, वो आग की तरह है, अगर उसे हमने छुआ तो हमें जला के राख कर सकती है, है ना। बट अगर माया को, उस आग को हम थोड़ी दूर बैठकर सेकें सर्दियों में, तो हमें वही चीज सुख भी दे रही है, वही माया सुख भी दे रही है। सेम अगर हम अंदर भी देखें, आग बाहर, मैंने बाहर का एग्जांपल लिया, आग हम लोग यूज करते हैं अपना खाना बनाने के लिए भी। 5 मिनट लगते हैं अगर कोई डिश बनाने में, अगर मैं 6 मिनट या 7 मिनट तक आग जलाऊं, क्या होगा? डिश जल जाएगी, थले लग जाएगी, है ना, खराब हो गई। जो आग मुझे, जो सब्जी मैं कच्ची नहीं खा पा रहा था, आग ने वो उसको मेरे खाने लायक बनाया, पर वही आग ने जब मैंने उसको थोड़ी देर और जला दिया तो उसी खाने को बर्बाद भी कर दिया। हर वो चीज़ जो माया है उससे हम अब रिलेट करेंगे। यूट्यूब है, यूट्यूब खोला अगर मैंने, कीर्तन सुना, ठीक है माया ही है, यूट्यूब मोबाइल ये माया ही है, पर मैंने खोल के कीर्तन सुना, पाठ सुना, या सिमरन सुना, कथा सुनी, ये अच्छा काम है। मिला क्या इससे हमें? फायदा हो रहा है हमारा, बहुत फायदा है ना। पर YouTube पर और भी बहुत टाइम पास वाली चीजें आती हैं, अगर मैं वहां क्लिक करके वो देख रहा हूँ तो क्या हो रहा है? मेरा नुकसान है। सेम माया वही है, मोबाइल वही है, YouTube वही है, एग्जाम्पल लिया मैंने। इसी तरह से जो माया है ना, गुरु महाराज कहते हैं कि त्याग नहीं करना माया का। देखो दो चीजें हैं त्याग में भी, एक ऐसी माया होती है जिसको हमने त्यागना नहीं है, उसकी सिर्फ वर्तों करनी है। एक होती है माया जिसका त्याग ही कर देना है। अब जैसे मान लो मोबाइल है, मोबाइल एक ऐसी माया है जिसको मैं यूज करके, वर्तों करके इस माया की वर्तों करके मैं ज्ञान ले सकता हूँ और स्पिरिचुअली डेवलप हो सकता हूँ। पर वही माया अगर मैं कुछ और, कुछ गंद मंद या कुछ टाइम पास के लिए देख रहा हूँ, कर रहा हूँ, तो वो मेरे को नुकसान कर रही है, राइट। पर मैं अगर ये कहूँ इस वजह से मैं मोबाइल को त्याग ही दूँ, मैंने त्याग दिया, प्रॉब्लम है फिर तो, मैं ज्ञान कहाँ से लूँगा? मान लो अगर मेरा ज्ञान का साधन ही वो है, सोर्स ही वो है, तो ज्ञान कहाँ से लूँगा? मैं मोबाइल पर बात किससे करूँगा? अगर मैंने किसी गुरसिख से संगत करनी है, बात करनी है, गुरु के बारे में बात करनी है, वाहेगुरु जी के बारे में बात करनी है, कैसे करूँगा? नहीं कर पाऊँगा, राइट। तो हम मोबाइल को त्यागना नहीं है, मोबाइल को हमने उसकी वर्तों का ध्यान रखना है। गुरु महाराज जो गुरुमत है वो ये समझाती है कि माया को त्यागना नहीं है, उसकी वर्तों करनी गुरु महाराज ने कही है, इसीलिए तो माया बनाई। पर हम लोग क्या करते हैं कि उसकी वर्तों कर करके हम उसके साथ अटैच हो जाते हैं और उसकी वर्तों गलत करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। एक तो ये होगी माया जो त्यागनी नहीं है। अब एक इस तरह की भी माया जो त्यागनी है, जिस पर फुल स्टॉप लगाना है, रोक लगानी है। जैसे फॉर एग्जांपल मूवी देखने का शौक है किसी को, थिएटर में जाके आराम से मूवी देख गया। अब मैं जाऊंगा थिएटर, मूवी देखूंगा, वापस आऊंगा, आई एंजॉय इट अ लॉट। थिएटर में जाके कभी मैं कथा सुनूंगा? थिएटर में जाके कभी मैं कीर्तन, नाम सिमरन, या थिएटर, मुझे थिएटर में मूवी देखना, ये एक्टिविटी मेरे को वाहेगुरु जी के साथ जोड़ सकती है? नहीं जोड़ सकती, ठीक है। कुछ मूवीज अच्छी होती हैं जिसमें अच्छे मैसेजेस होते हैं, बट नहीं, दैट इज वो बनी ही सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है जो ये मूवीज एंड ऑल होती हैं, ठीक है। बट ये लंबा टॉपिक है, मैं इसमें जाऊंगा नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। बट ऐसी चीज़ को जहाँ, जो हमारा साधन बन ही नहीं पा रही वाहेगुरु जी से मिलने की, मिलने के लिए वो हमारा साधन नहीं बन पा रही, उसको त्यागना। हथ ना लाए कसुम्बड़ा जल जासी टोला। कसुम्बड़ा ना एक फूल होता है, सैफ्लावर होता है, ठीक है, बड़ा सुंदर होता है, बड़ा कलर उसका अच्छा होता है, तो उसको अगर हम हाथ लगाएं ना
तो उसका रंग फेड हो जाता है, मतलब उसका रंग उड़ जाता है। बट अगर हम उसको ऐसे ही देख रहे हैं, उसकी जो वाइब्स हैं, उसका जो खुशबू है, वो सब इतना प्यारा, इतना अच्छा है कि वो आपको बहुत अच्छा फील, आपको बहुत एक अच्छी फीलिंग आती है, या आपका यू नो आपकी एम्बियंस आसपास का बहुत अच्छा लगता है आप। तो गुरु महाराज यहाँ पे ये समझा रहे हैं कि जो माया है ना, उसको हाथ ना ला, उसकी वर्तो जरूर कर ले, ठीक है। तो वो एक ये एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, पर वो एग्जाम्पल से समझाना क्या जा रहे हैं जो अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है, समझ लगी यहाँ पर। ये बहुत बड़ा गुरु महाराज मेरे करें बहुत तगड़ा ज्ञान है। कुछ भी हम लाइफ में कर रहे हैं ना, आप कुछ भी कर रहे हो, तो आप ये जरूर देख लेना कि ये क्या है, पहले तो त्यागने वाली माया है या वर्तो करने वाली माया। अगर वर्तो करने वाली है तो क्या मैं सही वर्त रहा हूँ उसको, अगर नहीं, देखो समझ, अगर ये चीज़ें समझ आनी चाहिए, अवेयर होने चाहिए। गुरु महाराज ने अवेयर कर दिया, अब हमारा एफर्ट यहाँ पे आता है कि हम उस चीज़ को ध्यान देते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, वो ख़त्म करते हैं अपने अंदर से या नहीं, हम बचा रखते हैं या रोक लगाते हैं उसको। माया को दृढ़ कर राखो, बांधे आप बचन्नी।